रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, सर्दी नहीं पड़ती, लोग कमजोर हैं और अब इसके बाद मरने वाले ही मौत का कारण बताए जाने वाली सरकार किस तरह एक पुल को जांच के बावजूद भी ठीक मरम्मत नहीं दे पाई और उसे खोल दिया लोगों की मौत का कारण बनने को। गुजरात के मोरबी में हुए ब्रिज हादसे की जांच में दिन ब दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब यह बात सामने आई है कि ओरेवा को पुल की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपये मिले थे। कंपनी ने उसका महज 6% यानी 12 लाख रुपये ही खर्च किया था। 6 महीने की मरम्मत करके पुल को जनता के लिए खोल दिया गया था। पुल की मरम्मत पर खर्च गए पैसे का हिसाब किताब सब कॉन्ट्रैक्टर देव प्रकाश सॉल्यूशंस फर्म के पास से जब्त किए गए डॉक्यूमेंट से मिला है। और ओरेवा को मार्च 2022 में 15 साल के मोरबी ब्रिज के मेंटेनेंस का ठेका मिला था। उसने देव प्रकाश सॉल्यूशन को मरम्मत करने के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था। सब काम पूरा होने के बाद 24 अक्टूबर को ओरेवा ग्रुप के अध्यक्ष जयसुख पटेल और उनके परिवार ने पुल पर चहलकदमी करने जैसे इकलौते फिटनेस टेस्ट के बाद जनता के लिए खोलने को फिट बता गया गया था। गुजरात के मोरबी शहर में हुए पुल हादसे में चीफ फायर ऑफिसर संदीप सिंह झाला को लापरवाही के आरोप में शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया था। किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ प्रशासन की यह पहला बड़ा एक्शन था। गुजरात पुलिस ने गुरुवार को मोरबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर झाला से 4 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यह पुल पिछले 6 महीने से बंद था, क्या जल्दबाजी में चालू किया गया था? मोरबी का केबल सस्पेंशन ब्रिज 20 फरवरी 1869 को शुरू किया गया था। 183 साल पुराना होने से इसकी कई बार मरम्मत हो चुकी है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने तक ब्रिज का रिनोवेशन हुआ था। गुजराती नववर्ष यानी 26 अक्टूबर को ही यह दोबारा खुला था। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा 1-2 दिन में होने ही वाली थी। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी फायदा लेने के लिए इसे बिना टेस्टिंग के अफरा तफरी में शुरू कर दिया गया था।